की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। जब चली शायद इसका रोना नहीं, क्यों तूने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर से किसके गम ने मारा, तो किसके गम ने मारा। ये कहानी फिर से ही नाम आए तो किसके सके हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी की म्यूजिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल एमडी की म्यूजिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूले, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इसी तरह हमारी वीडियोज को देखकर म्यूजिक के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो गाइज, आज हम बड़ा ही खूबसूरत गजल ट्यूटोरियल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसको उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने गाया है और बहुत ही खूबसूरत और मेलोडियस आज की ये गज़ल है, जिसके बोल आपने अभी अभी सुने हैं और मैं आपको दूसरे काले को सा मानकर बताऊंगा, यानी डी शार्प माइनर हमारा स्केल रहेगा, डी शार्प माइनर, दूसरा काला हमारा सा होगा। इसमें हमारे तीन कोमल सुर लगेंगे, जो कि गाधानी है, गाधानी कोमल रहेगा, उसके अलावा मातीवर का इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं कि आज की इस गज़ल की सरगम क्या बनेगी, ताकि हमें गाना प्ले करने में आसानी रहे। दूसरी काली को साफ बना, देखें घा दानी कोमल रहेगा, मातीवर भी लगेगा कहीं कहीं। चलिए देखते हैं। सारे गा कोमल आ गया, सुर रहेंगे घा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। ये दूसरी काली को सा बना के बन रहा है, घा कोमल, धा कोमल, नी कोमल, और ये हमारा मातीवर है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये शेर आता है, उसको देख ले वो कैसे है। दिल की चोटों ने कभी हो गया, इसको देखने दिल की, दिल
जल्दी से है मुड़की हल्की सी, दिल की चोटों ने कभी बिल्कुल सोली बता रहा हूं, दिल की चोटों ने कभी मातीवर दिल की चोटों ने कभी फिर चैन से रहने न दिया। ठीक है, कैसे चैन से रहने, चैन से रहने न दिया। आ जाएंगे, ठीक है, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, लेकिन चैन से रहने न दिया। ठीक हो गया, फिर जब चली से जब चली सर्द हवा, सर्द हवा जब चली सर्द हवा, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, मैंने तुझे याद किया, मैंने तुझे याद किया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, ठीक है, मैंने तुझे याद किया। इसके टच देखिए आ सकते हैं, मैंने तुझे याद किया, याद किया, याद किया, याद किया। ठीक हो गया, इकट्ठा देखें, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, फिर इसका रोना नहीं, इसका रोना नहीं, इसका रोना नहीं, इसका रोना नहीं, ठीक है, इसका रोना नहीं, फिर क्यों तूने किया, क्यों तूने किया, क्यों तूने किया दिलबरवा, इसका रोना नहीं, इसका रोना नहीं,
तूने किया, क्यों तूने किया दिल बर्बाद, क्यों तूने किया दिल बर्बाद बर्बाद। ठीक है, दोबारा देख ले कब। इसका रोना नहीं, क्यों तूने किया दिल बर्बाद। इसका गम है, इसका गम है के बहुत देर से बर्बाद किया। ठीक है, दोबारा देखें। इसका गम है, इसका गम है के बहुत देर, के बहुत देर से बर्बाद बर्बाद किया है, बर्बाद किया है। इसका गम है, इसका गम है के बहुत, इसका गम है के बहुत देर से बर्बाद किया, देर से बर्बाद किया, किया, किया। देर से बर्बाद किया। ठीक हो गया गाइस, यहाँ पे आपका शेर कंप्लीट होता है और उसके बाद फिर आपका अस्थाई पैटर्न स्टार्ट होता है। हमको किसके ये कहानी थे सही, लेकिन हमको किसके, ठीक है, हमको किसके, हमको किसके हमने मारा, हमने मारा। ठीक है, हमको किसके हमने मारा मारा। इसका टच देके यहाँ पे नी का टच देके धा है मारा, हमको किसके हमने मारा। फिर ये कहानी, ये कहानी फिर, ठीक है, फिर सही, ये कहानी फिर सही, हमको किसके हमने मारा, ये कहानी फिर सही। उसके बाद किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। ठीक है, इसको देखें, किसने तोड़ा, सिंपली देखें पहले, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा। टच देके किसने तोड़ा दिल हमारा, दिल हमारा। फिर दूसरी बार किसने तोड़ा दिल, 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 किसने तोड़ा दिल, दिल। ठीक है, स्पीड से आएगा जरा, किसने तोड़ा दिल
देखें, दिल हमारा फिर ये कहानी फिर सही ठीक है, बाकी वही है। किसने तोड़ा दिल अस्थाई का पोर्शन जिसको हमने सीखा, बढ़ते हैं इसके अंतरे की तरफ। अंतरा हम इसका यहां से उठाएंगे, यानी ये हमारा निकोमल है, सा रे घा शुद्ध मा पा धा कोमल और निकोमल। तो हम निकोमल से अपने अस्थाई का आगाज कर रहे हैं, अपने अंतरे का आगाज कर रहे हैं। तो अंतरा मैं पहले आपको गा के बताता हूँ, फिर स्लोली सिखाऊंगा कैसे आप इसको अपने हारमोनियम पर प्ले करेंगे। देखेंगे दिल के लुटने का सबब टच है हल्का सा, जल्दी से दिल के लुटने का सबब दिल के लुटने का सबब ठीक है, दोबारा देखते हैं दिल के लुटने का सबब पूछो 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 सबके सामने सामने ठीक है, दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने सामने ठीक है, पूछो ना सबके सामने पूछो न सबके सामने ठीक है। दूसरी बार दिल के लुटने का सबब यहां तक सेम है, फिर पूछो 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 ठीक है, दिल के लुटने का सबब यहां तक सेम पूछो पूछो सबके सामने पूछो सबके सामने पूछो सबके सामने सामने ठीक है। नाम गजल ट्यूटोरियल जो कि हमने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर जुटता है कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।